नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। लोकसभा के चुनाव के ऐलान के बाद पक्ष विपक्ष ने अपनी अपनी मयान से तलवारें निकाल ली हैं और युद्ध का मैदान बना है देश। देश की जनता को अपनी तरफ खींचने के लिए वो हर तिकड़म अपना रहे जिससे उनको फायदा पहुंचे। इसी बीच पिछले 5 साल से सरकार रही बीजेपी से विपक्ष सवाल भी पूछ रहा है, तो हम बता रहे हैं कि पिछले 5 साल में मोदी ने क्या काम किया है। मोदी ने जो काम पिछले 5 साल में किया है वो काम अभी तक किसी भी सरकार में देखने को नहीं मिला। जैसे स्वच्छ भारत मिशन, सबको आवास और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में तेजी से काम हुआ है। खुले में शौच से मुक्ति मिशन भी काम और जागरूकता दोनों स्तर पर काफी सफल रहा है। स्वच्छ भारत सबसे कामयाब मिशन। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को चालू हुआ। मिशन से सरकार को काफी फायदा हुआ। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। इसके तहत देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 2 अक्टूबर 2019 को गांधी जयंती तक खुले में शौच से मुक्त किए जाने का लक्ष्य रखा गया था, जो पूरा भी हो गया है। सरकार के अभियान से इस मिशन में तेजी आई है और 60-70% तक काम हो चुका है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में धन की कमी नहीं। सरकार ने उपज बढ़ाने के लिए लाई योजना। इसके लिए सरकार ने धन मुहैया कराया। मोदी सरकार सभी योजनाओं को प्राथमिकता के साथ पूरा कर रही है। 2015 में शुरू की गई इस योजना के लिए 5 सालों में 50,000 करोड़ का बजट रखा गया है, जिससे कृषि और किसानों को काफी फायदा हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना की धीरे धीरे बढ़ रही रफ्तार। देश के हर नागरिक को घर का अधिकार। मोदी सरकार इसी के तहत काम कर रही है। 2022 तक देश के हर नागरिक को घर मिलेगा। इस योजना के तहत राज्यों को विभिन्न आवास योजनाओं में केंद्र सरकार धन मुहैया करा रही है। इस आवास योजना में बेहद कम दर पर कर्ज भी दिए जा रहे हैं, जिससे लोगों को फायदा हो। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो पता चलता है कि ये योजना धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही है।